हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग थ्री वेरिएबल्स का के मैप का टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि जब आप टेबल बनाते हैं तो उसमें कितने सेल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं 2^n, जहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, तो 2^3 यानी कि हो गया ये आपका 8, यानी कि 8 सेल्स आपको चाहिए थ्री वेरिएबल के मैप का टेबल बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से हॉरिजेंटली इसका टेबल बना सकते हैं, आप चाहें तो वर्टिकली भी बना सकते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सबसे पहले हॉरिजेंटली देख लेते हैं कि कैसे आप इसको लिखेंगे। यहाँ आपको लिखना है ए और यहाँ लिखना है बी और सी। याद रखिएगा कि ए यहाँ लिखना है, बी सी यहाँ लिखना है, ठीक है, इस रूल को फॉलो करना है। ओके, तो बी सी लिखा हुआ है, तो आप ये बी के लिए और ये सी के लिए, ठीक है। उसी तरीके से फिर ये आपका हो जाएगा बी के लिए, ये आपका हो जाएगा सी के लिए। फिर आपका आपको यहाँ लिखना है 1 1 बी सी के लिए, फिर यहाँ पर लिखना है 1 0 बी और सी के लिए। ओके, अब ज़ीरो का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट और सी का सॉरी ज़ीरो का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट, इस ज़ीरो का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, इस ज़ीरो का मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ज़ीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं, ठीक है, नॉट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ एक वेरिएबल है तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल ज़ीरो, यहाँ 1 होगा, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल था तो यहाँ डबल डबल लिखा गया है, एक एक वेरिएबल है तो यहाँ सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल सिंगल लिखा गया, ठीक है। इसको कैसे मेंटेन करते हैं, यहाँ से ये ज़ीरो आएगा और यहाँ से ऊपर वाले से 2 0, यहाँ 2 0 लिखेंगे, यहाँ से 1 0, देन ये 0 1, ये 0 यहाँ, देन ऊपर से 1 1, फिर ये 0 यहाँ और ऊपर से ये 1 0, देन ये 1 यहाँ और ऊपर से 2 0, देन यहाँ से 1 ये और यहाँ से 0 1, देन 1 1 1, देन 1 1 0, ठीक है। इस तरीके से आप बाइनरी के थ्रू इस टेबल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टेबल को आप चाहें तो डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ ए और यहाँ बी सी, ये तो हो गई, बस आपको करना ये है कि यहाँ जो बाइनरी में आपने लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ डेसिमल में लिखना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ 2, देन यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा आपका 7 और यहाँ आपका हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद सेम टेबल को आप वेरिएबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे उसको कर सकते हैं। यहाँ ए और यहाँ बी तो होगा ही, बी सी होगा ही, ए बी सी ये तो होगा ही। यहाँ हम लोग लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट सी। बी कॉम्प्लीमेंट सी क्यों लिखा, देखिए यहाँ 0 0 हम लोगों ने लिखा, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब यहाँ हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, यहाँ हो जाएगा बी और सी, और यहाँ हो जाएगा बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और चूंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरीके से फिल कर देना है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से, उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से और बी कॉम्प्लीमेंट और सी यहाँ से ऊपर वाले से, देन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से और ये बी और सी, उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। इस टेबल में और इस टेबल में, तीनों ही टेबल इक्वल है, तीनों टेबल में कोई फर्क नहीं, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका तीनों में अलग अलग है। इसमें अपने बाइनरी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें अपने डेसिमल्स और इसमें अपने डायरेक्ट वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया। तीनों में से कोई एक भी अगर आपको याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको ये लेकर चलना है, बिकॉज अगर आपको ये याद है तो ये दोनों आप खुद बना सकते हैं, अदरवाइज आपको सेपरेटली याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा मतलब याद तो नहीं करना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट 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 यहाँ पर 0 0 0 लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आपको ये टेबल याद है, ये टेबल नंबर 1 अगर आपको याद है तो आप ये सभी बना सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि इस बाइनरी को डेसिमल में बदल देना है, और यहाँ 0 0 लिखा सबको कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, यहाँ 0 0 1 लिखा दो को कॉम्प्लीमेंट में, देन एक को विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखना, ठीक है। और ये इस तरीके से ए बी सी, ठीक है। यहाँ अगर 3 है, जैसे कि यहाँ 0 0 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहला जो ये 0 है
ये ए के लिए है, ये दूसरा जो है वो बी के लिए है, और ये तीसरा जो है वो आपके सी के लिए है। अब ज़ीरो है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ज़ीरो है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ सी के लिए वन है, वन के लिए सी है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और यहाँ ज़ीरो रहता तो इसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट आप लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है इस टेबल को बनाने का। ओके, सिंपल है। फिर से बता देता हूँ कि इस टेबल को आपको याद रखना है, बिकॉज इसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे हमें आसान पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में केमैप का। अब वर्टिकल देख लेते हैं, ये अगर वर्टिकली आप इस तरीके से टेबल बनाते हैं तो इस केस में आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी देखेंगे, इसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ आप ए बी लिखते हैं और इस साइड में आपको सी लिख सॉरी ए बी यहाँ लिखते हैं और सी आपको आप यहाँ आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो उस केस में यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ आप लिखेंगे ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ आप लिखेंगे ज़ीरो वन, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वन ज़ीरो, और यहाँ वन वन। ठीक है, फिल करने का वही है, ज़ीरो ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से, देन ये ज़ीरो यहाँ से, फिर ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ से, फिर ये वन यहाँ से, फिर ये ज़ीरो वन यहाँ से, ये ऊपर वाला ज़ीरो यहाँ, फिर ये ज़ीरो वन, और ये ऊपर वाला यहाँ वन, देन ये वन वन ज़ीरो, देन वन वन वन, और ये वन ज़ीरो ज़ीरो, और ये वन ज़ीरो वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइनरी टेबल तैयार कर सकते हैं, मतलब थ्री वेरिएबल के मैप का टेबल तैयार कर सकते हैं बाइनरी के साथ। इसी टेबल को आप डेसिमल के लिए भी तैयार कर सकते हैं, मतलब डेसिमल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कैसे हम लोग करेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ आपको करना क्या है कि ए बी यहाँ भी होगा और यहाँ सी होगा, यहाँ आपको लिखना है ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा आपका वन, और यहाँ आपका हो जाएगा टू, यहाँ थ्री, यहाँ आपका हो जाएगा फोर, यहाँ आपका फाइव, और यहाँ सिक्स, और यहाँ सेवन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप वेरिएबल को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है वही ए बी और ये सी, तो चूँकि ये सी है तो यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ सी हो जाएगा। देन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ आप लिखेंगे ए बी, और इसके नीचे आपको लिखना है ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको वही उसी तरीके से जो हमारे पास तरीका है, इस यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ऊपर वाले से सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखना है, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाले से सी यहाँ लिखना है, देन यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, देन यहाँ आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, और यहाँ हो जाएगा ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आपका हो जाएगा ए बी सी, यहाँ आप लिखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ आपका हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस वर्टिकली थ्री वेरिएबल के मैप का टेबल बना सकते हैं। ये तीनों ही टेबल इक्वल है, बट रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। इसमें बाइनरी से किया गया, इसमें डेसिमल से, इसमें डायरेक्ट आपने वेरिएबल लिखा हुआ है। हम लोगों ने सिक्स टेबल देखा, तीन हॉरिजेंटल और तीन वर्टिकल, ये सिक्स टेबल इक्वल हैं, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा हुआ है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।